नमस्कार, मैं प्रभास द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 22 फरवरी दिन गुरुवार को दिन की शुरुआत सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के साथ शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के खिलाफ एक्शन, जम्मू कश्मीर के कुरु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी सत्येंद्र मलिक बीते कुछ उन्होंने नीतियों के आधार पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साधा। 77 साल के सत्यपाल मलिक एक बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। मलिक के जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल रहते ही 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था। मलिक बिहार, उड़ीसा, गोवा और मेघालय के गवर्नर भी रह चुके हैं। जाट परिवार से आने वाले सत्यपाल मलिक देश की राजनीति की लगभग हर विचारधारा के हिस्सेदार रहे हैं। समाजवादी, कांग्रेस, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जाट किसान परिवार से आने वाले सत्यपाल की पैदाइश वेस्ट उत्तर प्रदेश की है। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर बतौर छात्र नेता अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सत्यपाल मलिक ने 70 के दशक में कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में नई ताकत बनकर उभर रहे चौधरी चरण सिंह का साथ पकड़ा और 1974 में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल से सत्यपाल मलिक को टिकट दिया और 28 साल की उम्र में सत्यपाल विधायक चुन लिए गए। हालांकि सत्यपाल को जब यह एहसास हुआ कि चौधरी साहब का साथ उन्हें महज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति तक ही सीमित रखेगा तो वे कांग्रेस विरोध छोड़कर कांग्रेस में ही शामिल हो गए। साल 1984 में राज्यसभा पहुंचे। अगले ही कुछ सालों के भीतर कांग्रेस का साथ छोड़कर सत्यपाल मलिक जनता दल में आ गए, सांसद बने और बीपी सरकार में मंत्री भी रहे। साल 1979 से 1991 के बीच वह अलीगढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उठा चुके हैं। हालांकि किसान आंदोलन, धारा 370 और अग्रिम पथ योजना, साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर सत्यपाल मलिक ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए रखा। अभी हाल फिलहाल में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की। लिहाजा जो अब सत्यपाल मलिक के आवास पर, उनके कई ठिकानों पर ईडी की जो छापेमारी पड़ी है, क्या ये छापेमारी जो सत्यपाल मलिक जिस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे उस समय उनके कई बयान वायरल हुए थे, जो बयान सुर्खियों में थे, क्या उन बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर पर ईडी या सीबीआई की छापेमारी की? ऐसा जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कह रही हैं। विपक्ष की पार्टियां हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाती चली आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में, जो विपक्ष में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उन पर, आम आदमी पार्टी, उन पर ईडी का दबाव बना रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन क्या सत्यपाल मलिक उस बयान का जो मुआवजा, एक तरीके से देखा जाए सत्यपाल मलिक को उसका मुआवजा चुकाना पड़ रहा है क्या ईडी से? अब इसकी रिपोर्ट जब ईडी की छापेमारी के बाद क्या खुलासा होता है सत्यपाल मलिक के आवास से, फिर होगा। नमस्कार।